नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाइथन प्रोजेक्ट आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन के एक नए वीडियो में। सो पाइथन प्रोजेक्ट आइडियाज एंड इम्प्लीमेंटेशन जो मैंने कल ही स्टार्ट किया है, जिसका पहला वीडियो डन हो चुका है जो कि था नंबर गैसिंग। और मैं आपको फिर से बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इसका प्लेलिस्ट बन रहा है, इसमें हम पाइथन के प्रोजेक्ट के रिलेटेड वीडियो को डालूंगा मैं, और आप सीख सकते हो कि पाइथन के प्रोजेक्ट बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं जो कैटेगरी यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिक कैटेगरी की है। बेसिकली जो भी बिगिनर प्रोग्रामर हैं वो भी इससे कोरिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें क्या किया है कि कुछ बेसिक प्रोजेक्ट रखे हैं एंड उस प्रोजेक्ट के लेवल को मैं हर एक दिन इन्हांस कर रहा हूँ, लेवल अप कर रहा हूँ, ताकि आपकी स्किल इम्प्रूव होती रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को हिट कर ले, और आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मुझे सपोर्ट करेगी कि मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं डाइस रोलिंग सिम्युलेटर। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है नंबर गैसिंग वाला, तो आप इस वीडियो के आई कार्ड में जो होगा टॉप में आई कार्ड, वहाँ से देख सकते हो लिंक, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक देख सकते हो, और उस लिंक के साथ आप नेविगेट होकर उस वीडियो में पहुँच जाओगे। और साथ में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, आप प्लेलिस्ट को भी ऐड टू योर प्लेलिस्ट कर सकते हो। नाउ आज के इस प्रोजेक्ट में जो हम बात करेंगे, उस प्रोजेक्ट में हमें फिर हम काम क्या करना है। सो जो काम होगा डाइस रोलिंग का, उसमें हम क्या करेंगे, एक सिम्युलेटर को क्रिएट करेंगे जो रियल वर्ल्ड की गेम की तरह सिम्युलेट करेंगे, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस देगा यूज़र को कि वो एक रियल वर्ल्ड डाइस गेमिंग है। डाइस गेम बेसिकली क्या होता है कि एक क्यूब बॉल होती है जिसमें 1 से 6 डिजिट तक की वैल्यू प्रिंट होती है, और जब भी कोई यूज़र उस क्यूब बॉल को फेंकता है या थ्रो करता है तो वो टॉप ऑफ द स्टैक पे जो वैल्यू होती है वो कंसिडर की जाती है कि वो रोलिंग में जो आउटपुट आई वो आई है। तो उसी का सिम्युलेटर बना रहे हैं। एक्चुअली प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा, चलिए हम आपको रन करके दिखाते हैं। तो रन करने का सिंपल सा तरीका है पाइथन, और जो आपका स्क्रिप्ट का नाम है उस स्क्रिप्ट को, तो मेरे स्क्रिप्ट का नाम है एब्स्ट्रैक्ट 2, ये सेकेंड वीडियो है, उसका नाम है dice-emulator.py। जब आप इसको रन करोगे तो ये ऐसे पहले डाइस रोलिंग और साथ में ये वैल्यू आ गई 2 और 5। उसके बाद ये आपसे पूछेगा यूजर से कि डू यू वांट टू प्ले अगेन, तो यस आई वांट टू प्ले, तो फिर से ये रोल होगा एन। तो ये एक्सपीरियंस दे रहा है रियल वर्ल्ड डाइस गेमिंग का, और मैं यहाँ से क्विट कर सकता हूँ बाय टाइपिंग नो या फिर एन। तो चलिए इस वीडियो को स्क्रैच से क्रिएट करते हैं, और उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप किसी भी कोड एडिटर को यूज़ कर सकते हो, पाइथन की भी कोड एडिटर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट IDLE, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को हम स्क्रैच से लिखते हैं। तो मैं इन सभी कोड को पहले यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इम्पोर्ट करना है रैंडम फंक्शन। सो यहाँ से मैं रैंडम को इम्पोर्ट कर रहा हूँ, और पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रैंडम। उसे इम्पोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहा हूँ इम्पोर्ट टाइम को, बिकॉज मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है स्लिप फंक्शन। स्लिप फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि वो कुछ सेकेंड के लिए, या फिर आपके ऊपर डिपेंड है कितने टाइम के लिए आप उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक कर रखना चाहते हो। सो टाइम में मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। नाउ अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिस वेरिएबल का नाम होगा यूज़र की च्वाइस। सो यूज़र च्वाइस में वैल्यू असाइन क्या करूँगा, येस, कि जब पहला प्रोग्राम में इनिशियल वैल्यू जो चॉइस होगी यस होगी, जिसकी हेल्प से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और मैं इसमें यूज़ करूँगा वाइल लूप। आई होप कि ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो कि वाइल लूप कैसे काम करता है एंड ऑल। और अगर ये आपको नहीं क्लियर है तो आप जाके पहले पाइथन सीख लो एंड देन आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ वाइल दिस यूजर चॉइस इज इक्वल टू येस, और जो चॉइस जो होता है वो इक्वल टू वाई। जब ऐसा होगा तो ये लूप चले। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है जो हमारी फर्स्ट लाइन की स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसका नाम क्या है कि डाइस इज रोलिंग। सो बेसिकली यहाँ पे हम यूज़र को एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि डाइस जो हो रहा है वो रोल कर रहा है। जब भी आप हैंड में रोल करते हो डाइस को एंड फिर आप थ्रो करते हो, तो उसी तरह से आप ये एक तरह से सिमुलेट कर रहा है कि आप ये डाइस जो होता है वो रोल हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक अच्छी सी फील, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस डालने के लिए हम यहाँ पे स्लिप फंक्शन का यूज़ करेंगे, ताकि स्लिप से समझ में आए कि हाँ डाइस एक्चुअली में रोल हो रहा है। और यहाँ पे हम 1 सेकेंड की ब्रेक दे रहे हैं इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम वैल्यू रखेंगे। जैसे कि पहला वैल्यू क्या होगा,
जो डाइस वन, सो जब भी हम डाइस गेम खेलते हैं तो उसमें दो डाइस होती है, डाइस वन एंड डाइस टू, और बोथ की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। तो डाइस वन में हम क्या करेंगे, एक रैंडम इंट, मतलब कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, क्योंकि जब भी आप डाइस गेम खेलते हो तो उसमें कोई रैंडम नंबर ही टॉप ऑफ द स्टैक पे आती है क्यूब के वॉल में। सो नाउ डाइस वन में हम क्या करेंगे, रैंडम इंट में, रैंडम के अंदर एक फंक्शन है रैंड इंट नाम का, उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और वो फंक्शन दो आर्गूमेंट लेता है। पहला आर्गूमेंट इनिशियल वैल्यू, आई मीन जो उसकी लोअर वैल्यू है, और दूसरा जो आर्गूमेंट होता है वो होती है अपर वैल्यू। सो वन से लेके सिक्स के बीच में ये कोई भी एक वैल्यू को जनरेट करेगा इंटीजर में, और ऐसे ही मैं जनरेट कर रहा हूँ डाइस टू के लिए वैल्यू, और सेम फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे रैंडम डॉट रैंड इंट, और इस डाइस की भी जो वैल्यू होगी इनिशियल वन और अप टू सिक्स तक कोई भी एक इंटीजर वैल्यू आ सकती है। नाउ जब इतना कुछ हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे व्हाट डाइस वन वैल्यू इज, जो डाइस वन की वैल्यू है वो क्या है, वो यहाँ पे हम प्रिंट करने जा रहे हैं। तो डाइस वन वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल करेंगे यूज़ करने के लिए। देन उसके बाद हमने क्या करना है, लाइन को ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक के लिए स्लैश एन, और उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट डाइस टू। अब ये भी कर सकते हो, इसे एक नई प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकते हो, बट मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, और डाइस टू वैल्यू इज। अब यहाँ पे फिर से हम उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे, डाइस टू नाम की वेरिएबल जो नंबर जनरेट करेगा डाइस टू के लिए। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम, यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं टाइम डॉट स्लिप, इट्स डिपेंड ऑन यू, बट मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, यहाँ भी मैं वन सेकेंड की ब्रेक दे रहा हूँ इसको। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ डाइस वन की वैल्यू या फिर डाइस टू की वैल्यू अगर इक्वल है डाइस वन के, देन तो हम यूजर को एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन कोंगो यू गॉट सेम वैल्यू और डबल वैल्यू, वट एवर आपकी स्टेटमेंट में जो आप प्रिंट करना चाहते हो आप प्रिंट कर सकते हो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर वो मैच नहीं करेगा फिर भी, और अगर मैच करेगा फिर भी हमारी ये लूप के अंदर हम उस यूजर से पूछेंगे कि क्या आप इस गेम को फिर से खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले अगेन, डू यू वांट टू रोल द डाइस अगेन एंड अगेन। सो उसके लिए हम एक इनपुट वैल्यू लेंगे यूजर से इंटरेक्शन कराने के लिए कि वो चाहता है कि नहीं। सो यहाँ पे एक यूजर च्वाइस जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसी में हम असाइन करेंगे वैल्यू इनपुट वाली, और इनपुट में हम क्या स्टेटमेंट में रखेंगे, सेम स्टेटमेंट जो मैंने भी बताया आपको, Do you want to, my bad, roll the dice again? तो यहाँ पे आप उसकी आंसर जो होगी वो दे सकते हो इन द येस और नो फॉर्मेट में, इट डिपेंड ऑन यू। और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लोअर फंक्शन पाइथन में होती है, उस फंक्शन को लोअर में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे लोअर फंक्शन क्यों कर यूज़ किया है, लेट मी शो यू, मैं यहाँ पे कमेंट पास कर दे रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कैपिटल वाई एस देता है तो फिर भी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल वाई एस जो हमारी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और अगर या फिर कोई यूज़र कैपिटल वाई एस दे या फिर कैपिटल वाई स्मॉल ई एस दे या फिर वाई एस दे, इन सब की वैल्यू स्मॉल वाई एस में होगी जो हम यहाँ पे कंडीशन में यूज़ कर रहे हो वाई लूप के लिए। एंड अगेन दूसरा एक पैरामीटर ये होगा कि चाहे वो वाई कैपिटल यूज़ करे या फिर वाई स्मॉल यूज़ करे, उसकी वैल्यू जो होगी हमेशा वाई स्मॉल में ही होगी, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इन लोअर केस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ जब ये यूज़र की च्वाइस ले लेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बेस पर ये लूप चलेगा अगेन एंड अगेन, अगर वो वैल्यू नो देगा तो ये एग्जिट कर जाएगा, अगर यस देगा तो वो रन करेगा। नाउ अगर ये लूप ख़त्म हो जाती है, सपोज़ करो कि उस बंदे ने नो प्रिंट दिया, तो ये एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम उसको क्या प्रिंट देंगे, एक स्टेटमेंट कि थैंक यू फॉर यूजिंग,
या फिर हम इसको कह सकते हैं थैंक यू फॉर प्लेइंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और चलिए इसको हम रन करते हैं फिर से। नाउ हम जा रहे हैं पाइथन डाइस सिमुलेटर पाई को, आप देख सकते हो इसका नाम भी डाइस सिमुलेटर पाई है और ये यूट्यूब फोल्डर के अंदर है, और सेम बात यहाँ पे इसके अंदर ये डू वांट वट वेयर डेस्कटॉप यूट्यूब एंड उसके अंदर हमारे डाइस सिमुलेटर को हम कॉल कर रहे हैं। तो पहले डाइस जब रोल हुआ तो क्या आया वैल्यू, डाइस वन की वैल्यू 1, डाइस सेकेंड की वैल्यू 3। डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, येस आई वॉन्ट, फिर से डाइस रोल कर रहा है एंड फिर से येस ओके यू कैन सी ये कोंगो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो वैल्यू दोनों हुई सेम हो गई 5 and 5, तो कोंगो यू गॉट द सेम वैल्यू। नाउ हम यहाँ पे अब करते हैं नो, सो यहाँ पे आ गया थैंक यू फॉर प्लेइंग। सो आज की वीडियो बस इतना ही था, और इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है, जो एक नई वीडियो होगी कल के लिए, और उसमें चैलेंज क्या आएगी ईमेल स्लाइसर, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस कोड को जो फिर इसकी जो इंस्ट्रक्शन है इस प्रोग्राम को क्रिएट करने की उसे आप पढ़ के खुद से कोड करना, और हो सके अगर आपने कोड कर लिया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे इस कोड को पेस्ट करना, इसके बेस पे मैं आपको कहूँगा कि आपका कोड सही है या नहीं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आई होप कि इस वीडियो को आपने इन्जॉय किया होगा, अगर आपने इन्जॉय किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।